नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। राम जन्मभूमि आंदोलन से अपनी राजनीति चमकाने वाले कितने लोग बलरामपुर चले गए, कितने लोग चमक गए, लेकिन जो कुदाल लेकर गुंबद पर चढ़े थे उनकी कहानी जाननी बहुत ज़रूरी है। इन लोगों का स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ था, बाद में क्या हुआ ये सुध लेने वाला कोई नहीं आया। इनमें से एक बलबीर सिंह था जो बाद में मुसलमान बनकर मस्जिदें बनवाने लगा। धर्म बदलने से तब के बलबीर और अब के आमिर का कितना भला हुआ वो नहीं पता, लेकिन अगली कहानी है मध्य प्रदेश के अंचल सिंह मीणा की। अंचल 30 साल के थे जब बाबरी गिराने गए, अब 56 के हैं, लेकिन ये 26 साल नरक की तरह गुजरे हैं। एक कमरे में बिस्तर पर पड़े रहकर ये साल गुजारे हैं। राम के काम से निकले थे यही बताते हैं अंचल। दरअसल भोपाल के नज़दीक सुआखेड़ा एक जगह है, वहाँ अंचल सिंह मीणा का घर है। 26 साल पहले अंचल कार सेवक हो गए थे। अयोध्या में राम मंदिर की चाह थी, विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम संगठन आग में पेट्रोल झोंके पड़े थे। 3 दिसंबर 1992 को अंचल भोपाल पहुँचे और 27 लोगों के जत्थे में पुष्पक एक्सप्रेस में सवार होकर लखनऊ पहुँच गए। लखनऊ से फैजाबाद पहुँच गए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराने के लिए ऊपर चढ़ गए। भीड़ की चीख पुकार में जोश का आलम यह था कि अगले पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं सोच रहा था। गुंबद जब नीचे गिरा तो उसके साथ अंचल भी नीचे आ गए। मलबा का बड़ा हिस्सा अंचल की पीठ पर आ गिरा, अंचल बेहोश हो गए। पहले फैजाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहाँ होश आया तो पता चला कि कमर के नीचे का हिस्सा बेकार हो गया है। आज तक चैनल के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह बताते हैं कि अंचल चल नहीं सकते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। पूछने पर बताया कि 1992 के बाद तमाम छोटे बड़े नेता भोपाल आए, लेकिन उनके पास तक कोई नहीं आया। सिर पर लगी चोट दिखाते हैं और फूट फूट कर रो पड़ते हैं। कहते हैं कोई नेता नहीं कह सकता कि एक गिलास पानी भी कभी पिलाया हो। छोटा बड़ा यहाँ कई नेता आते हैं लेकिन कोई सुध लेने नहीं आता। लेकिन मैं जिस राम के काम से अयोध्या गया उस पर विश्वास है कि पूरा करेगा। कमाल की बात यह है कि अंचल सिंह मीणा को अब भी एहसास नहीं है कि पॉलिटिक्स ने उनका इस्तेमाल किया। राम ने किसी को नहीं बुलाया मस्जिद गिराने के लिए, जिन्होंने बुलाया वो लोग खूब खेले खाए, कई तो अब दरकिनार कर दिए गए हैं ठीक अंचल की ही तरह। लेकिन अंचल को अभी भी लगता है कि वह काम उनसे राम ने करवाया था। वो कहते हैं कि अब कमज़ोर हो गया हूँ, इलाज चल रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा और कोई दर्शन कराने ले जाएगा तो ज़रूर जाऊंगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और हमारा ऐप जो आ गया है एंड्रॉयड पर उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।